हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन या बुलंद बुलंदफार भी कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से फैल रहा है इस वक्त तकरीबन दुनिया में एक अशार तीन अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं और ये तादाद आस्ता आस्ता बढ़ रही है आम तौर तो पर यह बीमारी 35 साल या इससे ऊपर के लोगों को हो रही है लेकिन आजकल हॉस्पिटल के अंदर और क्लिनिक के अंदर छोटी उम्र के लोग मसलन 30 साल 25 साल और 20 साल के लोग भी रुझू कर रहे हैं क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है इससे मुराद ये ली जाती है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी आम तौर पर बग़ैर किसी बग़ैर किसी सिम्टम्स के प्रजेंट हो रही है कभी कभार हल्की फुल्की नॉन स्पेसिफ़िक वेक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जिसम का दर्द होना थकावट होना हाथ पाँव में दर्द होना आँखों के अंदर थोड़ा सा बिनाई का कम होना जिसको ब्लड विजन कहते हैं इसी तरह से नाक में खून आना और कभी कभी बेहोशी होना लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई अलामत नहीं छोड़ती है इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है दुनिया में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें से 50 फ़ीद लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो फिर किस तरह मालूम किया जाए कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है इसका वाद तरीका यह है कि रेगुलर चेकअप किया जाए जिन लोगों की उम्र 35 साल से ज़्यादा है वो साल में एक या दो दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, भले उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है इसी तरीके से जिनकी उम्र 35 साल से कम है 22 साल है 24 साल है 30 साल है तो वो लोग भी साल में एक दफ़ा या दो साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएँ एक इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक 120 बटा अस्सी होता है इसका मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 80 एम एम एफ एच होता है जैसे जैसे ब्लड प्रेशर ऊपर चलना शुरू होता है तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं इसका मतलब यह है कि इंसान को मरीज़ को एहतियाती तदाबीर अपनाना होगी और अगर बार बार एक और नब्बे 140 का मतलब है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और नवे का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर बार बार टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसे डॉक्टर के पास जाना होगा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे दवाई खानी होगी याद रहे ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़िंदगी भर की बीमारी है तो जिस तरह डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं दवाई तो दवाई ज़िंदगी भर खानी होगी ब्लड प्रेशर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तफ एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है वो भी ये एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो जाए और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे नमक का इस्तेमाल कम से कम रखें देखा यह गया है कि हम अपने खानों के अंदर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं सालन के अंदर चावल के अंदर खिचड़ी के अंदर चपाती के अंदर हती के लोग अपनी चाय के अंदर भी नमक डालते हैं सैलड्स के अंदर भी डालते हैं और फ्रूट जो काट के खाते हैं उसके ऊपर भी नमक छिड़क के खाते हैं चाय सेलेड्स और फ्रूट के अंदर नमक डालना बिल्कुल मना है और खानों के अंदर भी नमक का इस्तेमाल आस्ता आस्ता कम करें मसाले के तौर पर अगर हम सालन के अंदर दो चाय की चमची नमक डालते हैं तो उसको आहिस्ता से कम करें एकदम से या यकमुश अगर आप कम करेंगे तो लोगों का ज़ायक़ा ख़राब हो जाएगा और घर के अफराद खाना खाना छोड़ देंगे तो इसका तरीका कार ये है कि आहिस्ता आहिस्ता नमक कम करें नेमुल बदल ढूंढें नमक की जगह पर अगर चाहें तो ब्लैक पेपर्स जिसको हम काली मीरी या काली मिर्च कहते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं वॉक रोज़ाना करना है रोज़ाना वॉक और रोज़ाना वर्जिश से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है वॉक करने से और एक्सरसाइज करने से हमारी शरियाने जिनको आर्टरीज़ और वेंस कहा जाता है उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है आर्टीर कम हो जाता है तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोशिश करें कि जब भी वॉक करें तो हमवार जगह पर करें स्मूथ सरफेस पर करें क्योंकि अगर आप पथरीली ज़मीनी पर वॉक करेंगे तो कभी टखनों के अंदर कभी जोड़ों के अंदर कभी पट्टों के अंदर दर्द हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते जब भी वॉक करें तो नरम चप्पल पहने या जॉगर्स पहने इससे भी आपके टखनों में जोड़ों में पट्टों में दर्द नहीं होगा खाने के अंदर सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें इस वक्त एडवाइस ये किया जा किया जाता है कि कम से कम हफ़्ते में तीन से चार मरतबा सब्ज़ी खानी चाहिए मिलावट नहीं होनी चाहिए आप लोग ताजुब होंगे मैंने मिलावट का लफ इस्तेमाल किया है मिलावट का मतलब ये है कि पालक गोश्त कीमे भरे करेले नहीं गोश्त का इस्तेमाल नहीं हो जब आपके घर में सब्ज़ी पकती है तो सिर्फ पालक का सालन बनना चाहिए सिर्फ करेले का सालन बनना चाहिए उसमें गोश्त या मुर्गी का एडिशन नहीं होना चाहिए सब्जियों के अंदर वाइटमिन्स भी होते हैं मिनरल्स भी होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है जब भी आपके घर में सब्ज़ी पके, तो कोशिश करें कि एक डिश पकाएं। देखा यह गया है कि कुछ घरानों के अंदर जब भी सब्ज़ी पकती है तो वो दो डिशेस पकाते हैं एक सब्ज़ी की एक गोश्त या मुर्गी की अब घर के सारे अफराद गोश्त या मुर्गी खाते हैं और घर की जो माँ या वालदा होती है सब्जी खा रही होती है हम चाहते हैं कि घर के सारे अफराद सेहतमंद हों खाने के अंदर सेचूरेटिड फ़ैट और ट्रांस फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए इसका मतलब ये है कि घी मक्खन मलाई और चीज़ इसको हम सेचूरेटिड फ़ैट कहते हैं इसका इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है या बहुत कम हो क्योंकि जब सेचूरेट फ़ैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लड प्रेशर के साथ मिलकर यह दिल की बीमारियाँ करता है ये फालिज की बीमारियाँ करता है आँखों की बिनाई चली जाती है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं और गुर्दों की बीमारियां करता है जिसको हम क्रॉनिक रियल फेलियर कहते हैं तो अगर हम इन तदाबीर पर अमल करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है उनको भी फायदा होगा दुनिया के अंदर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें से सिर्फ बीस लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है पूरी दुनिया के अंदर अस्सी लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि दवाइयाँ रोज़ाना खानी है और पूरी ज़िंदगी खानी है हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं और कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर तो अब कंट्रोल हो गया है हम तो दवाई हमने बंद कर दिए आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है वो दवाई की वजह से हुआ है अगर आप दवाइयाँ बंद कर देंगे तो पाँच दिन के बाद छः दिन के बाद सात दिन के बाद या दो हफ़्ते के बाद आपका ब्लड प्रेशर फिर शूट कर जाएगा और याद रखें ब्लड प्रेशर की बीमारी खामोश कातिल है साइलेंट किलर है हो सकता है कि आपको कोई अलामत ना हो क्योंकि ब्लड प्रेशर तो चेक ही नहीं होता याद रखें अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं और अपने आप को इन मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट दिल की और फाल बीमारियों से अपने आप को बचाएँ थैंक यू वेरी मच